और इसके पश्चिम छोर में बसा हुआ हुगली नदी के किनारे कोलकाता का दिल कहे जाने वाला बीबीडी बाग। और दोस्तों आज इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं और जानने वाले इसके बारे में बहुत सी रोचक तथ्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। और डलहौजी दर्शन के लिए मैंने चुना इंडिया हेरिटेज वॉक को। इंडिया हेरिटेज वॉक पूरे इंडिया की हेरिटेज कल्चर, हेरिटेज बिल्डिंग्स, हेरिटेज थिंग्स की जानकारी हमें दे देता है अपने वॉक के थ्रू। और ये वॉक होते हैं बिल्कुल फ्री। अगर आपको इससे इंटरेस्ट है तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप इस वॉक को ज्वाइन कर सकते हैं अपने सिटी में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:30 बज रहे अभी और मैं थोड़ा सा लेट हो गया। आई थिंक नहीं लेट हुआ, मेरे को लगा था मैं लेट हो गया, बट ठीक है। मैं इसी के चक्कर में दो बस मैंने चेंज करी, जहाँ मुझे एक बस चेंज करनी होती है। आपको आज का जो रूट वॉक है वो पूरे डलहौजी साइड को कवर करेगा, तो देखते हैं कितना क्या क्या होता है, आपको मैं कितना दिखा पाता हूँ ब्लॉग में। मौसम पूरा सा बिगड़ा हुआ मौसम है, आई डोंट नो क्या मौसम का बनेगा हाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा रोड वॉक स्टार्ट हुआ ग्रेट ईस्टर्न होटल से होते हुए। ग्रेट ईस्टर्न होटल कोलकाता का वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट होटल में से एक है। इस फोटो में आपको दिख रहा होगा ग्रेट ईस्टर्न होटल का पुराना लुक। डलहौजी जो पूरा एरिया है वो पूरी तरह से अंग्रेजों का बसा हुआ एरिया हम कह सकते हैं। ये बड़ी बड़े बिल्डिंग्स, बड़े 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 हेरिटेज बिल्डिंग्स यहाँ आपको देखने में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं हेरिटेज बिल्डिंग्स देखने में तो आप ज़रूर विजिट कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज के समय ये बिल्डिंग थी ईस्ट इंडिया कंपनी की करेंसी बिल्डिंग। ये बिल्डिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर में है, जिसकी अभी हो रही है रेस्टोरेशन, बट अब इसमें लगेगी बहुत सारी एग्जीबिशंस। तो चलिए देखते हैं इसका ही कुछ व्यू। अगर आपको घूमना है पूरा वेस्ट बंगाल तो आप विजिट कर सकते हो वेस्ट बंगाल टूरिज्म साइट सेंटर में, यहाँ ये आपको देगी पूरी जानकारी वेस्ट बंगाल घूमने के लिए। इसके बाद हमने देखा सेंट अंडरवेस चर्च को। इस चर्च की खास बात ये है कि सारे चर्च में आपको क्रॉस देखेगा प्लस के आकार में, बट इस चर्च में आपको क्रॉस देखेगा कुछ इस तरह का। और चर्च को देखने के बाद हम बढ़े राइटर्स बिल्डिंग की ओर। जहाँ राइटर्स बिल्डिंग आज बसा हुआ है वहाँ पहले था ये चर्च, इसको सिराजुद्दौला ने तोड़ दिया, उसके बाद यहाँ बना कुछ इस तरह का राइटर्स बिल्डिंग, और उसके बाद मॉडिफाई करके आज जो व्यू आप देख रहे हैं इस तरह की राइटर्स बिल्डिंग हमारे सामने बन के उभर के आई। राइटर्स बिल्डिंग के ऊपर में इस तरह की मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं इसकी जानकारी दूँ तो इसके बीच में आपको खड़ी मिलेगी महारानी विक्टोरिया, और दोनों साइड में एक तरफ है यूरोप के व्यक्ति और एक तरफ है इंडिया के व्यक्ति। ये था एग्रीकल्चर। इस तरह की कई मूर्तियाँ आपको यहाँ पर देखने को, इसके टॉप व्यू पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं राइटर्स बिल्डिंग का पूरा व्यू। और इसके ऑपोजिट में ही आपको दिखेगी आरबीयू की बिल्डिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग।
बाद हम बढ़े कुछ और हिट इस बिल्डिंग्स को देखने के लिए। जहाँ आज खड़ी है GPO यानी जनरल पोस्ट ऑफिस, वहाँ पहले थी अंग्रेजों की बनाई हुई ये फोर्ट। सामने जो अपडेट कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं, ये थी उस टाइम कॉमर्शियल लाइब्रेरी, जो आज बन गई है बहुत सारे कंपनियों का अड्डा। इस आर्किटेक्चर्स को देखने के समय आपको एक बार भी नहीं लगेगा कि आप देख रहे हैं कोई इंडिया का आर्किटेक्चर, क्योंकि ये सारे आर्किटेक्चर इंस्पायर हैं ब्रिटेन के आर्किटेक्चर्स से। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, इस तरह के और हेरिटेज साइट्स की वीडियोस को पाने के लिए। माना जाता है कि आज से करीब 300 साल पहले कोलकाता जैसे आज दिख रहा है वैसा नहीं था। ये ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पे पहले थे बहुत सारे जंगल और बहुत सारे बड़े बड़े तालाब। सामने जो बिल्डिंग आपको दिख रही है वो है कोलकाता का राजभवन। सामने जो चर्च आपको दिख रही है वो है अंग्रेजों द्वारा बनाई हुई कोलकाता की सबसे पुरानी चर्च। यहाँ मैं बताऊंगा आपको इस चर्च के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। चर्च को बनाने के लिए शोभा बाजार राजबाड़ी ने अंग्रेजी को दान दिया था इस चर्च की जमीन। शोभा बाजार राजबाड़ी कोलकाता के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट राजबाड़ियों में से एक है, और ऐसा माना जाता है इन्होंने ही पहले स्टार्ट किया कोलकाता में दुर्गा पूजा का सिलसिला। तो चलिए देखते हैं सेंट जॉन्स चर्च को। यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है वो बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है पाइप पियानो समथिंग कुछ। यहाँ पे आपको मिलेगी लेडी कैनिंग की समाधि। लेडी कैनिंग फेमस इसलिए मैं बता दूं क्योंकि कोलकाता में उनके ही नाम की बिकती है एक लेडी कैनी नाम की मिठाई, जो वाकई बहुत टेस्टी होती है। सामने जो आर्किटेक्चर आपको दिख रहा है ये आर्किटेक्चर कोलकाता की फर्स्ट ईंट से बनी हुई आर्किटेक्चर है, क्योंकि इससे पहले आर्किटेक्चर बनते थे पत्थरों से। दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, प्लीज मुझे करें कमेंट अगर और भी कुछ आपको है जानना। और रही बात
मेरे चैनल की, तो मेरे चैनल को आप प्लीज कर सब्सक्राइब ताकि मुझे और उत्साह मिले इस तरह की वीडियोस को बनाने में, और लाइक भी करना।